हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जी के मेरा नाम है प्रांजली शर्मा और आज मैं आप लोगों से ए एफ डी ओ असिस्िस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगी तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिश इज़ हाईली

एग इज़ का फिश लेंग नॉन एडिसिव एग इज़ आंसर है जैब्रा फिश नेक्स्ट केज कल्चर और ओरिजिनेटेड इन दी कंट्री केज कल्चर सबसे पहले किस कंट्री में ओरिजिनेट किया गया था तो इसका आंसर आएगा कम्बोडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबन किन इज अ वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंटल फिश सुबन किन ऑर्नामेंटल फिश की कौन सी वेराइटी है तो इसका आंसर है हमारा कैरेसियस औरटस ठीक है नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स और दी ए डोमिनेंट क्राफ्ट इन साउथ इंडियन रिजर्व आयर्स तो जो साउथ इंडियन रिजर्व आयर्स के डोमिनट क्राफ्ट कौन से हैं तो इसका आंसर आएगा हमारा कैटा मेरॉन फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंगलिंग टाइप ऑफ गेयर तो इसमें से कौन सा इंटेंगलिंग टाइप ऑफ गियर है तो इसका आंसर होगा हमारा ड्रैगनेट ड्रैगनेट जो तो वह इंटेंगलिंग टाइप ऑफ गियर है फिर एफिशीड हैचरी कैन बी ऑपरेटेड यूजिंग आयरन फ्री वाटर फ्रॉम तो इसका आंसर है हमारा ट्यूबवेल फिर साइंटिफिक नेम ऑफ गप्पी फिशेस गप्पी फिश का साइंटिफिक नेम है आंसर है गम्बूजिया एफिनिस ठीक है उसके बाद है द प्राइमरी फिजिकल फैक्टर दैट इनिशियट्स स्पॉनिंग इन इंडियन मेजर काप्स तो जो प्राइम प्राइमरी फिजिकल फैक्टर्स जो इनिशिएट करते हैं इंडियन मेजर कॉप्स की स्पॉनिंग को वो क्या है प्राइमरी फिजिकल फैक्टर्स उसका क्या है आंसर है हमारा एल्कलिनिटी नेक्स्ट है द वर्किंग एफिशेंसी ऑफ अ बंद इन आई एम सी ब्रीडिंग मेनली डिपेंड्स ऑन तो आई एम सी की ब्रीडिंग जो होती है नली डिपेंड्स करती है किस पे शॉयल टाइप पे ठीक है फिर विच इंड्यूस ब्रीडिंग एजेंट हैज़ बीन डेवलप इंडिजि तो इसका आंसर है हमारा ओवरटाइट ओवरप्रीम हारमोन्स कंटेन्स प्रीम हारमोन क्या कंटेन्स करता है आंसर है गोनेडोट्रोपिन जी एन आर एच उसके बाद है ऑप्टिमम डोज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग इन फीमेल क्लैरियस ट्राइकस इज तो फीमेल क्लैरिस बट में इंड्यूस ब्रीडिंग इंडियूस ब्रीडिंग की ऑप्टिमम डोज क्या होती है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की ऑप्टिमम डोज क्या होगी तो इसका आंसर है नाइन टू ट्वेल्व एम जी पर के जी बॉडी वेट पिट्यूटरी ग्लैंड इज इन पिट्यूटरी इंड्यूस ब्रीडिंग पर्पज के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रिजर्व करते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर में नेक्स्ट द एवरेज फ्रिक्वेंटिटी ऑफ रोहू फिश अबाउट तो एवरेज फीकेंटिटी क्या होती है रोहू फिश की टू लैक्स पर एग्स विच एक्वेटिक वीड इज़ कॉमनली प्रोवाइडेड टू कॉमन कास्ट फॉर लेंग एग्स इसका आंसर है एजोला फिर रेंज ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन पीपीएम पी सुटेबल फॉर फिश कल्चर फिश कल्चर के लिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन की सुटेबल रेंज क्या है तो इसका आंसर आएगा हमारा जीरो थ्री टू सिक्स फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एक्टिक वीड्स इज डन बाय ग्रोइंग खालिस्तान इन पॉन्ट्स तो इसका आंसर है रोहू फिर है विच इज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ राजस्थान राजस्थान का लार्जेस्ट रिजर्वायर कौन सा है बीसलपुर द पैडी वायटी प्रेफरेबल ऑफ पेडिकम फिश कल्चर इज तो पेडीकम फिश कल्चर के लिए पैडी वेराइटी कौन सी प्रेफरेबल है तो इसका आंसर आएगा सफरी फिर मोस्ट ऑफ द कार्प स्पॉन इज प्रोड्यूसड इन इंडिया बाय यूजिंग तो मोस्ट ऑफ़ जो कार्प होती हैं वो क्या होती हैं इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं तो किस में किस को यूज़ करते हैं इसका आंसर आएगा हमारा कन्वेंशनल प्रैक्टिस पारंपरिक तरीके से फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्रोन ऑन पॉन डाइक्स तो इसका आंसर आएगा बबूल ठीक है फिर है फ्रेश वाटर प्रॉन माइक्रोब्रेंकियम इज सुटेबल फॉर कल्चर एज इट हैज़ हाई फ्रीकेंटिटी फ्रॉम तो इसका आंसर आएगा वन लैक टू फाइव लैक फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड ऑकर्स इफ़िशेंटली इन तो प्रोटीन एंड लिपिड का डाइजेशन अच्छी तरह से किसमें होता है तो इसका आंसर आएगा हमारा कार्निवोरस फिल ठीक है उसके बाद वॉट कम्स अंडर नॉन फूड एक्वा कल्चर नॉन फूड एक्वा कल्चर के अंतर्गत कौन सी क्या आता है तो इसका आंसर आएगा हमारा इंटीग्रेटेड फिश कल्चर फिर एडजस्टिंग टू रिज़र्व एयर कंडीशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर तो एडजस्टिंग टू रिजर्व कंडीशन नॉट सुटेबल फ़ॉर किसके लिए सुटेबल्स नहीं होती है आंसर है गेडूसिया छपरा ठीक है फिर वॉट इज़ नॉट अ फिश सीड कौन इसमें से कौन सा एक फिश सीड नहीं है तो इसका आंसर आएगा फ्राई वाट इज़ द कलर ऑफ फर्टिलाइज एग्स ऑफ कतला फ़िश कतला फ़िश का जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं उसका कौन सा कलर होता है ट्रांसपेरेंट फिर एबिलिटी ऑफ सॉरी एबेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया फर्टिलाइजर इज़ आंसर आएगा इसका फोर्टी परसेंट ठीक है फिर है एग हैच इन टू प्रॉन प्रॉन्स में एग जो हैच होते हैं उनको क्या बोलते हैं माइसिस ब्रीडिंग हापा कंटेंस ब्रीडिंग हापा कंटेंस करते हैं तो इसका आंसर आएगा हमारा वन रेक्टेंगुलर इनक्लोजर फिर अ केज कल्चर यूज फॉर कल्चर ऑफ फूड फिश फ्रॉम तो इसका आंसर है हमारा एक्स टू हैचलिंग कार्प एक्स हैच आउट विद इन अंडर कंट्रोल कंडीशन तो इसका आंसर आएगा हमारा टेन आर्स फिर है स्टॉकिंग रेट ऑफ ब्रूड फिशेस तो स्टॉकिंग रेट क्या होती है ब्रूड फिश की तो इसका आंसर है हमारे पास हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड के जी पर हेक्टेयर मोस्ट क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स इन फिश फूड आर तो जो हमारी फिश फूड में सबसे मोस्ट मतलब मोस्ट क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स कौन सा है तो इसका आंसर है हमारे पास थर्टी ट्रिप्टोफेन फिर है व्हाट इज़ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्लैंकटॉन्स इन पॉइंट फॉर कल्चर तो इसका आंसर आएगा टू पॉइंट जीरो जीरो टू टू पॉइंट सेवन फाइव एम पर लीटर उसके बाद है फिश कैन जज अबाउट हर्डल्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ तो इसका आंसर आएगा लेटरल लाइन द स्टेज बिटवीन फ्राई एंड एडल्ट फीसीज तो इसका आंसर आएगा लेयर फिर है फी ऑफ पीनियस मोनोडॉन इज पीनियस मोनोडॉन की फ्री कितनी होती है तो इसका आंसर फाइव फिफ्टी लैक टू सेवेंटी फाइव लैक्स एक्स पर फीमेल फिर है कन्वर्जन ऑफ़ अमीनो एसिड इन अमोनिया इज कॉल्ड तो एमिनो एसिड का अमोनिया में कन्वर्जन क्या कहलाता है नाइट्रोफिकेशन ठीक है गोनेडोट्रोफिन इज अ टाइप ऑफ गोनेडोट्रोफिन किसका टाइप है पेप्टाइड हार्मोन्स ठीक है फिर प्रोटीन कंटेंट ऑफ फिश मसल इज फिश मसल में जो प्रोटीन कंटेंट कितना होता है टेन टू फिफ्टीन परसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एडेसिव एग्स तो इसका आंसर आएगा कॉमन कार्प फिर विच ऑयल केक इज पॉइजनस टू फिश लाइफ मतलब कौन सा ऑयल केक होता है जो फिश के लिए फ़िश की लाइफ के लिए पॉइजनस होता है तो इसका आंसर है मस्टर्ड ऑयल केक फिश हैविंग फ्रिंज लोअर लिप तो फ्रिंज जो फ्रिंज लोअर लिप्स वाली मछली कौन है इसका है फेरिंगोडॉन इडेला फूड फॉर लार्वी ऑफ प्रांस कंसिस्ट ऑफ लार्वी की जो प्रॉन का फूड होता है वो होता है क्या होता है वीट ब्रेन गेहूं की भूसी फिर क्राइव प्रिजर्वेशन ऑफ फिश एग्स कैन नॉट बी डन बिकॉज ऑफ इट्स तो इसका आंसर आएगा हमारा सेकेंड हाई वाटर कंटेंट उसके फ़िश पैलेट्स आर मोस्ट यूज़फुल ड्यू टू फॉलोइंग क्वालिटी तो जो फ़िश पैलेट जो होता है मोर यूज़फुल है किस उसकी क्वालिटी किस क्वालिटी की वजह से तो इसका आंसर है हमारे पास कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी की वजह से फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लोज्ड वाटर एक्वाकल्चर तो इनमें से कौन सा एक क्लोज वाटर एक्वाकल्चर नहीं है तो इसका आंसर है पेन कल्चर ठीक है फिर मोस्ट हार्मफुल एक्वेटिक इंसेक्ट्स फाउंड इन नर्सरी पॉन्डीज तो इसका आंसर है माइक्रोसटिस फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइटोप्लैंकटॉन तो इसका आंसर आएगा फ्रेजी लेरिया फ्रेस जिलेरिया ठीक है थीके? उसके बाद है भोज में उपस्थित साल्मोनेला को नष्ट किया जाता है मतलब साल्मोनेला इन फूड स्टफ़ इज किल्ड बाय तो इसका आंसर रहेगा पैलेटिंग मतलब पैलेट बनाकर, फिर है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड तो प्री स्टॉकिंग डज मैनेजमेंट इंक्लूड नहीं होता है फिफ्टी ये इराडिकेशन ऑफ वीड फिशेस द डोज़ ऑफ ओवाप्रीम फॉर कार्प ब्रूडर इज कार्प ब्रूडर के लिए जो ओवाप्रीम की कितनी मात्रा होती है तो इसका आंसर है कल ग्रेटर देन वन पॉइंट फाइव जीरो वन पॉइंट फाइव जीरो मिली पर किलोग्राम ठीक है सॉरी किलोग्राम बी डब्ल्यू फिर है द एस्टिमेटेड फ़िश प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2017-18 डेज तो 2017-18 में टोटल फिश प्रोडक्शन कितना उसको एस्टिमेट किया गया था तो इसका आंसर आएगा 12.60 मिलियन मेट्रिक टन्स फिर है ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडिया इंडिया का जो एक्वा कल्चर में ग्लोबल रैंकिंग क्या है सॉरी इंडिया में एक्वाकल्चर की ग्लोबल रैंकिंग कितनी है तो इसका आंसर आएगा फोर्थ फिर स्टॉकिंग पॉइंट्स आर स्टॉक्ड विथ जो स्टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं उनको हम स्टॉक करते हैं किस टाइप के फिश शीट के लिए तो इसका आंसर आएगा हैचलिंग्स के लिए फिर एवरेज फिश प्रोडक्शन इन राजस्थान स्टेट इज़ तो राजस्थान स्टेट की जो एवरेज फिश प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है एवरेज फिश प्रोडक्शन इन राजस्थान इस्टेट का थाउजेंड के जी पर हेक्टेयर द राजस्थान फिशरीज़ एक्ट वॉज़ गिवेन इन द ईयर राजस्थान फिशरीज एक्ट किस ईयर पर दिया गया था तो इसका आंसर आएगा नाइनटीन फिफ्टी में फिर है मिथाइल टेस्टो स्टेर इज़ यूज फॉर मिथाइल टेस्ट स्टरॉन को यूज़ किया जाता है फास्टर ग्रोथ के लिए फिर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइटो तो इसका आंसर है नाइट्रोजन फिर है इज नॉट प्रेजेंट इन फिशेस फिशेस में प्रेजेंट नहीं होता है क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज सेक्टर टू एग्रीकल्चर जी डी पी इज प्रजेंट परसेंट एट प्रेजेंट तो इसका आंसर आएगा हमारा जीरो पॉइंट सेवन वन परसेंट इन प्रेजेंट फिर है विच इज़ नोन एज फ्रेश वाटर शार्क फ्रेश वाटर शार्क कहलाती है कौन सी इसका आंसर आएगा हमारा क्लेरियस बेट्राइकस ठीक है फिर डाइटम्स यूज इन लार्वल रेअरिंग ऑफ स्ट्रीम्स आर स्ट्रिम्स के जो लार्वल रेयरिंग उपयोग होने वाले डाइटम्स कौन से हैं तो इसका आंसर आएगा चीटो सिरास. फिर कॉमन नेम ऑफ फॉर आईकॉर्निया इज आइकॉर्निया का कॉमन नेम क्या है तो इसका आंसर है वाटर हाइसिंथ नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन नेशनल फिश फार्मर्स डे जो होता तो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई को फिर म्यूरल्स आर द फिशेस बिलोंगिंग टू द जीनस जो म्यूरल फिशेस होती हैं वो किस जीनस के अंतर्गत बिलोंग करती हैं तो इसका आंसर आएगा मिस्टिस फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज कम्स अंडर तो इसका आंसर आएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। रेसवेज आर बेस्ड एक्वाकल्चर फार्मिंग सिस्टम जो रेसवेज होते हैं वो एक्वाकल्चर फार्मिंग सिस्टम किस बेस पे होते हैं तो इसका आंसर आएगा लैंड फिर लार्जेस्ट स्ट्रीम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ तो लार्जेस्ट स्ट्रीम प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो इंडिया का वो है हमारा उड़ीसा विच ऑफ द फॉलोइंग रिजरवर इज नॉट प्रेजेंट इन राजस्थान तो इसका आंसर आएगा इंदिरा सागर डैम द मोस्ट कॉमन फंगस अटैकिंग फ्राई टू एडल्ट स्टेज ऑफ फिश इज तो इसका आंसर आएगा हमारा एस्परजिलस फिर सिल्वर कार्प बाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर सिल्वर कार्प कौन से ईयर में इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी 1962 में फिर है सर्कुलर हैचरी मॉडल वॉज डेवलप्ड इन चाइना इन द ईयर तो जो सर्कुलर हैचरी मॉडल था वो डेवल चाइना में किस ईयर पे डेवलप्ड किया गया था तो 1956 में विच फिश कैन सर्वाइव इन मडी पर्डल्स तो इसका आंसर भी आएगा हमारा सेकेंड कतला श्वेलन एबडोमिन इंडिकेट्स द डिसीज तो इसका आंसर आएगा सेप्रोलेग्नियोसिस ठीक है उसके बाद है द फिश कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल डोनर ऑफ प्यूटूटरी ग्रैंड फॉर फिश सॉरी फॉर द फिश कंसिडर टू बी मोस्ट सुटेबल डोनर ऑफ प्यूटरी ग्लैंड फॉर फिश ब्रीडिंग पर्पजिस तो इसका आंसर आएगा कतला आइडियल स्लोप ऑफ पॉन्ड मेड बाई क्लेवी ऑयल क्लेस ऑयल तो जो क्लेस uh, ऑयल से बने हुए जो तालाब का जो वो होता है आइडियल स्लोप होता है कितने में होता है तो इसका आंसर आएगा हमारा वन इज टू थ्री के रेशियो में होता है ट्रांसपेरेंसी इन पॉइंट्स इज मेजर पॉइंट्स की ट्रांसपेरेंसी को हम किस से मेजर करते हैं पी एच मीटर से सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आर प्रोमिनेंट इन कार्व ड्यूरिंग तो इसका आंसर आएगा हमारा रेनी सीजन इन अ प्रोडक्टिव सॉइल वॉट शुड बी द लेवल ऑफ फॉस्फोरस तो इसका आंसर आएगा सिक्स टू ट्वेल्व एम जी पर ग्राम लीवस एंड टिक्स फॉलिंग ऑन द पॉन्ट सरफिश कंट्रीब्यूट एज इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम तो इसका आंसर है हमारे पास जो प्लैंग सॉरी फिर द परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेजिज सीवेज में वाटर का कितना परसेंटेज होता है एटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट ठीक है उसके बाद है कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया इज टॉक्सिक टू फिश अमोनिया की कंसनट्रेशन मछली के लिए जहरीली होती है तो इसका आंसर अपने पास है फाइव पी पी एम फिर विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ सुटेबल फॉर फिश कल्चर पॉइंट मतलब किस टाइप्स की जो सॉइल्स होती है वो फिश के लिए आ, सुटेबल्स होती है सैंडी सॉइल जो होती है उसके बाद विच इज़ नॉट अ प्रीडेटरी फिश एमंग दलोइंग तो इसका आंसर आएगा पंटीएस फिर इन अ पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इज डन टू करेक्ट तो इसका आंसर है एसिडिटी एट विच टाइम डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन पॉइंट्स इज मैक्सिमम तो है फोर ए एम फिर ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी कॉन्स्टिट्यूट तो आंसर आएगा फ्लोरा फिर लाइबिंग एफिशियंसी इज हाइएस्ट इन तो लाइमिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है किस पे आंसर आएगा हमारा हाइड्रेट लाइम में हाइड्रेटेड लाइम में ठीक है उसके आता डार्क ब्लैक कलरेशन ऑफ पॉन्ड वाटर मड सो इज़ द प्रेजेंस ऑफ तो जो गहरे काले रंग की जो जो पॉन्ड वाटर मड, मड होती है वो किसकी प्रेजेंस को शो करती है तो इसका आंसर है किस अमोनिया को ठीक है फिर है पीएच रेंज फॉर कार फिश इज तो ऑप्टिमम पीएच रेंज क्या होती है कार कल्चर्स की तो इसका आंसर आएगा एट पॉइंट फाइव टू नाइन पॉइंट फाइव द इन सीवियस ट्रीटमेंट प्लांट यूज ऑफ डक वीड्स टू एब्जॉर्ब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स एग्जिबिट्स द फिन ऑफ तो इसका आंसर है बायो रेमिडिएशन फिर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड इन तो इसका है लॉन्ग फूड चैन विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो महानदी फिर है इनलैंड फिशरीज इंक्लूड्स इनलैंड फिशरीज इंक्लूड्स होती है किस पे फिश बोथ फ्रॉम ब्रैकिश वाटर एंड फ्रेश वाटर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एक्वेरियम फिश कल्चर इज़ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ तो इसका आंसर है हमारे पास हाई टेम्परेचर ठीक है फिर इटाईटाई डिसीज़ में भी कॉज यू टू इनटेक ऑफ फिश कंटामिनेटेड विथ जिंक तो आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में